है ना मासा, वीर तो बच्चा है और कोई भी बच्चा आसानी से किसी दूसरे आदमी को अपने पिता के रूप में स्वीकार ना कर सकता। अब मासा जाने दीजिए, जिसने भी भड़काया, सच बात तो ये है कि वीर के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है, उसके अंदर एक डर बैठ गया है। सोचो मासा कि वीर इतना छोटा बच्चा है तब ये असर पड़ा है, अगर वो थोड़ा सा भी बड़ा होता तो फिर जाने के सोचता के बोलता। मासा आप आए हो यहाँ दहलीज पर खड़े हो, थोड़ा खातिरदारी का मौका हमें भी दो ना, आओ अंदर जाओ। लो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? रमन। मेरा नाम है रणवीर। आप मुझसे दोस्ती करोगे? So cute. Wow, ये बड़ी कार आपके अंकल? हाँ, ये बड़ी कार मेरी है। आपको अच्छी लगी? बहुत। क्या मुझे राइड दोगे? नहीं, चलो मैं आपको इस गाड़ी में लंबी सी राइड पे लेके चलूँ। Come on. आज वो सीन हो रहा है कि हम लोग मित्तल हाउस से अपने घर आ गए हैं अपने, और हम लोग जरा घर की सफाई कर रहे हैं, इतने में पता चला मासा और जितनी भी ताई जी और घर की औरतें हैं वो आ गई हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ मासा को कि आ जाओ अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आते, वो सिर्फ ये पूछने आए हैं कि वीर पर ऐसा असर क्यों हुआ है। तो वो पर्सुएट करने की कोशिश करते हैं कि सुमन किसी तरह से वीर को मना ले, जो कि मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो बहू है उसको मैं अपनी चौखट से विदा करूं। मेरा ये इमोशन है कि बेटियों की तो शादी हो जाए ठीक है। तो वो दादी सा पूछने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं कहती हूँ कि वो बच्चा है, वो अपनी तरफ से किसने भड़काया होगा, तो मैं कहती हूँ किसी ने भी भड़काया हो लेकिन उसके दिमाग में बहुत बुरा सदमा पड़ा है, और कोई भी बच्चा आसानी से सौतेले बाप को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि सौतेला सौतेला होता। ये मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। जी सुमन भी कहीं ना कि वीर के वो अपने न्यू डैडी को एक्सेप्ट करें? एक्सेप्ट नहीं करें।